और भाई ये देखे सारी चीजें, सामान ऐसे बिखरा पड़ा है ना, कोई सफाई वाला कोई सीन नहीं। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है आप सबके? उम्मीद है आप लोग सब ठीक हैं। आई एम फाइनली बैक आफ्टर आई गेस 6 मंथ्स, नहीं कुछ 4 महीने हुए हैं। और ठंड इतनी ज्यादा हुई है, मूड हो गए ठंडे ठंडे पानी से यार, और अभी तक ना शिवरिंग हो रही है भाई। व्लॉग मुझे स्टार्ट करना पड़ा किचन से, क्योंकि किचन की हालत इसने बहुत ख़राब हुई है। घर पे कोई भी नहीं है, बर्तन शर्तन हांडी कुकड़ प्रेशर ये सारे मुझे ही धोने हैं। सीन कुछ ऐसे भाई, मैं आपको क्या बताऊँ क्या क्या हुआ है पिछले 4-5 महीनों के अंदर। यार कुछ अप्स एंड डाउन होते रहे, जिस वजह से ना मैं व्लॉग्स नहीं अपडेट कर सका। अब आप लोग कह रहे होंगे कि इतने महीने में कहाँ पे गायब रहा हूँ भाई, बड़े मसले मसाइल चल रहे थे, मेरा फ़ोन भी चोरी हो गया था। वो भी मैं आपको स्टोरी बताता हूँ सारी, क्या हुआ था मेरे फ़ोन के साथ, और उसके अलावा जो भी अप्स एंड डाउन वो भी आपको बताऊँगा। मेरी दादी की डेथ भी हो गई थी, और जिसने बड़ा सवेर एक कहते हैं ना क्या डिप्रेशन पैदा कर दिया था, क्योंकि मेरी बड़ी अटैचमेंट थी उनके साथ। अनफॉर्चुनेटली शी पास्ड अवे, ड्यू टू विच एक ये भी बड़ा एक सिनेरियो क्रिएट हो गया था, जिस वजह से व्लॉग्स नहीं आ रहे थे। और मेरे पास इतनी वीडियोस बनी हुई थी, मेरा एक ट्रैवल भी हुआ था उसकी वीडियो भी थी, लेकिन वो सब मेरा फ़ोन में था, और मेरा फ़ोन हो गया चोरी। बाय द वे यार, बंदा भी मैसेज ही करता था किसी वीडियो पे, पुरानी वीडियोस पे कमेंट ही करता था भाई कि आप किधर गायब हैं। खैर क्रिएट से हैं, तो खैर अब चलते किचन से बाहर। सिचुएशन मैंने आपको दिखा दी है सारी, तो भाई चलते हैं बाहर किचन से और देखते हैं रूम में क्या सीन। तो रूम में दाखिल होते हैं, सबसे पहले मैंने खाया है केला। अभी केला क्यों खाया? क्योंकि खाना नहीं खाया रात को, केलों पे गुजारा करना, 5-6 केले खा लूँगा बहुत है। वैसे मैंने ये सुना है कि रात को केले वगैरह नहीं खाने चाहिए, पोटेशियम काफ़ी ज़्यादा होता है इसके अंदर, तो पेट डिस्टर्ब हो सकता। बट से अगर खा सकते हो, कोई जानता तो बताइएगा कॉमेंट सेक्शन में। ये पड़ा है जी मेरा ट्रैवल बैग, ठीक है। अभी कैरी जो है इसके अंदर, इस हैंड कैरी के अंदर हैं कुछ गिफ्ट्स, और इसके अलावा कुछ गिफ्ट्स जो है ना वो इस बड़े से शॉपर के अंदर भी हैं, तो ये मैं भी आपको दिखाऊंगा ये गिफ्ट्स। और ये इसमें कुछ गिफ्ट्स हैं, कुछ मैंने खुद ली थी, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको जिक्र किया कि मैं ट्रैवल पे गया हुआ था और मैं वहाँ से परचेज करके आया था। और ये भी बताऊँगा मैं क्या काम पर हुआ था। तो जी मैं गया था कैनेडा, मजाक कर रहा हूँ, कैनेडा नहीं गया था, मैं गया था दुबई। और लेकिन गिफ्ट्स जो है वो मेरे पेरेंट्स गए हुए थे। अगर आपने मेरे पिछले व्लॉग्स देखे हों, उन्होंने जाना था US, तो वो कुछ वहाँ से लेके आए थे, और कुछ जो हैं वो मैं लेके आया था UAE से। तो चलें वो मैं आपको अपने गिफ्ट्स इसी व्लॉग के अंदर दिखाता हूँ क्या सीन है। और लाइक शेयर सब्सक्राइब लाजमी करना इस वीडियो को, अगर आप मज़ीद मेरी वीडियोज़ चाहते हैं कि आएँ। अच्छा, तो मुझे अभी भी कॉल आ गई है कि घर वाले जो वो रस्ते में, और बस वो पहुंचने वाले विद इन नेक्स्ट 5 to 6 मिनट्स, जो कि बड़ा सरप्राइजिंग था और मुझे इन्फॉर्म नहीं किया गया था। तो एनीवेज वो भी आ जाएंगे घर, और वो आके पहले सिचुएशन देखेंगे किचन वगैरह की, सारा जो गंडल होगा भाई मेरा कोई कसूर नहीं है, काम वाली नहीं आ रही थी तो मैं क्या करता। और इसी बहाने जब वाइफ आ जाएगी तो मैं उसको कहूँगा कैमरा पकड़ ले और वीडियो जो है वो मेरी बनाए, और मैं आपको अपने गिफ्ट्स दिखाऊँगा या जो चीज़ें मैं अपने लिए ले गया था वो आपको थोड़ी सी दिखा दूँगा, और आप लोग बताइएगा फिर आपको कैसी लगी, अच्छी लगी नहीं अच्छी। तो भाई घर वाले आ गए हैं, अब चलते हैं रूम के अंदर वापस। हाँ जी, सामान वगैरह ना मैंने बाहर स्टोर रूम में रख दिया, ठीक है? ठीक है। तो मैंने ना वो कहा है व्यूअर्स को कि जी मेरे कुछ थोड़े से गिफ्ट्स देखने हैं, तो मुझे मेरा कैमरा पकड़ लो थोड़ी देर के लिए। और मैंने बस उनको थोड़े से अपने जो चीज़ें मैं लेके आया, और थोड़े वो जो मामा पापा जो गिफ्ट्स नहीं लेके आए वो बस दिखाने थोड़े से, हो सकता है पॉसिबल? ओके चलो फिर इसके बाद व्लॉग में करूँगा यहाँ पे एंड। तो लेट्स सी द गिफ्ट्स, और फिर मिलेंगे कल एक नए व्लॉग के अंदर। तो चलें गिफ्ट्स देखते हैं भाई। मुझे तो ये ना वाइट वाला कंबल बिछाना पड़ रहा था, चीज़ें थोड़ी सी ना क्लियर आ रही थी। तो गाइस कौन सा स्टार्ट करें पहले? चलो पहले ये वाला ओपन करते हैं, ठीक है। ये वो चीज़ें हैं जो कि मैंने खुद परचेज की थी, ये कुछ चीज़ें हैं नहीं बल्कि हाँ इसमें भी कुछ चीज़ें हैं जो गिफ्ट आए हैं। तो खैर मैं ओवरऑल आपको टोटल करके दिखा देता हूँ। जो भी सबसे पहली चीज़ मेरी जो बहुत पसंदीदा चीज़ थी, जो कि यहाँ पर मिल रहा था तकरीबन 35,000 का, जो कि मुझे फ्री में आ गया, वो है पूमा का डॉफर बैग। ये इसकी बैक है,
ये इसका फ्रंट है, अभी चीज़ें अंदर नहीं पड़ी तो इसलिए नहीं पता लगेगा। और ये भाई ओरिजिनल है, ओरिजिनल ठीक है, ये ओरिजिनल है। तो ये तकरीबन बाहर से पड़ा है अराउंड $120 का, ठीक है, जो कि मुझे फ्री में आ गया। छह चीज़ें मैं बाहर ही रखता है, बाहर रखता जाऊँ चीज़ें। हाँ जी। सेकेंड चीज़ है, अच्छा पहले मैं थोड़ी सी काम अच्छी से भी बेहतर तरफ आऊँगा। अच्छा सेकेंड बार ये मेरी विंटर्स की एक स्वेट शर्ट कह लें इसको, सॉफ्ट से मटेरियल है, कलर बहुत अच्छा इसका ग्रे है, ठीक है। तो ये एक शर्ट है, ये है भाई $38 की पड़ी थी, ठीक है ना। प्राइस मैं साथ साथ बताता रहूँगा, नहीं तो आप लोग तो कमेंट करके कहेंगे कि प्राइस भी बता देते। अच्छा ये आ गया वो, अब ये है तीसरी चीज, ये है ट्राउजर्स, ठीक है, इसको स्वेट पैंट्स भी कहते हैं, ठीक है, ये इस तरह से कुछ, और बहुत मजे का मटेरियल है स्वेट पैंट्स का। ये जी पड़ा है $40 का, ठीक है। मैं एक्चुअली कैजुअली ये ज़्यादा चीज़ें पहनता हूँ, तो इसलिए मुझे ये चीज़ें बहुत पसंद हैं। और नेक्स्ट पे चलते हैं, नहीं ये मैं एंड पे दिखाऊंगा, अभी मैं यहाँ से खोलता हूँ। मेरा एक और ट्राउज़र था, वो कहाँ पे है, जो वाला ना ग्रे, जो भी बिल्कुल न्यू वाला, इसके अंदर होगा, इसके अंदर। तो वो भी देख लेते हैं। पासवर्ड तो मैं नहीं बताऊँगा, पासवर्ड तो मैं बैग में बताऊँगा ही नहीं। इसके अंदर खजाना, इसमें डॉलर्स एंड डॉलर्स, जाकर इसमें डॉलर्स हैं, डॉलर्स की चीज़ें हैं। ओके तो ये खोलते हैं हम, खजाना खोल जा सिम सिम। सो गाइस लेट्स ओपन दिस एज वेल। ओके तो ये देखें, ये आगे एक और मेरी स्वेट पैंट्स, सो अमेजिंग। इसका मटेरियल इतना सॉफ्ट है ना यार, चेक करके देखो इतना सॉफ्ट मटेरियल है यार, ब्लैंकेट स्टाइल का। और ये भी है जनाब, ये $48 का है, ये उससे $8 महंगा है पहले वाले से। इट्स रियली गुड। अच्छा ये बड़ी अच्छी चीज़ है, इसकी जो पॉकेट्स है ना जिप वाली, ये चीज़ें अमूमन नहीं मिलती, लेकिन थैंक गॉड इसकी ये चीज़ है। नहीं मिल जाती हैं पाकिस्तान से, मिल जाती हैं। चलो अच्छा ये आ गई जी एक बेल्ट लेदर की, ये मुझे बस ओके ओके लगी, इतनी कोई ख़ास नहीं लगी। और ये है $30 की, ठीक है, अभी तक की सबसे सस्ती चीज़ ये। अच्छा और जनाब जीन्स आ गई, ठीक है, इसकी मुझे ऑल्ट्रेशन शायद करवानी पड़ेगी, लेंथ करवानी पड़ेगी और थोड़ी सी नैरो करवानी पड़ेगी। और ये सीके की है, और जैसे कि देख सकते हैं भाई, ताकि पता लगे ना कि ये ओरिजिनल चीज़ ही दिखा रही है। ये है जी, ये $48 की, इसको भी हम रखते हैं साइड पे। अच्छा नेक्स्ट आ गया स्लीपिंग ट्राउजर, ये जॉगिंग ट्राउजर भी है, स्लीपिंग ट्राउजर भी जो मर्जी यूज कर ले, लूज काफी ज्यादा लूज लूज है, और ये भी ओके है, मतलब नॉर्मल है, इतना मुझे कोई अच्छा नहीं लगा। इसका प्राइस टैग सच मैंने ट्राई किया था, प्राइस टैग नहीं है इसका, लेकिन आई थिंक ये सस्ता होगा, ये होगा $25 का होगा। ये इधर आ गया, ये बहुत प्यारी है, पोलो शर्ट है, ठीक है, बहुत मज़े का इसका मटेरियल है, सॉफ्ट है, समर्स की है ये। और ये है जनाब पेरी एलिस की है ये, ठीक है, जिनके वॉलेट्स भी बहुत पॉपुलर हैं। ये प्राइस है $65 की, पेरी एलिस, गो एंड सर्च फॉर पेरी एलिस। नेक्स्ट अगेन जिम वाली टी शर्ट, पूमा ओरिजिनल, ठीक है, और ये इसका टैग मैंने तोड़ा था क्योंकि मुझे ट्राई करनी थी और मुझे चुभ रहा था, तो अनफॉर्चुनेटली वीडियो में मैं अभी दिखा रहा हूँ, आपको पहले नहीं दिखा सकता था, ठीक है, ये मैं बिल्कुल ब्रांड न्यू है। और इसकी मुझे प्राइस अभी याद नहीं है कितनी थी प्राइस, लेकिन ये ऑन ऑफर्स पे थी। ये ओल्ड नेवी आ गया, ये टी शर्ट ओल्ड नेवी की है, ये भी कैजुअल वेयर है, ये है $32 की,
बाद में इनको फोल्ड कर लें। फोल्ड बाद में कर लें। चलो तुमने ही करनी, कौन सी मैंने करनी है। अच्छा ये आ गया एक और, ये भी ओल्ड नेवी की है, कलर बहुत प्यारा है, वाइब्रेंट सा कलर है, बट इट्स फॉर समर मोस्ट प्रोबेबली। या ऊपर जैकेट भी पहनी जा सकती है। इसका टैग किधर गया? इसका टैग नहीं है, बस इसकी सील लगी हुई है लेकिन टैग नहीं है। अक्सर आपको पता है ना एयरपोर्ट की वजह से भी ये चीज़ें उतारनी पड़ जाती हैं, ये तो आप अंडरस्टैंड करते हैं। अब मैं आपको दिखाता हूँ जो मुझे मज़े की लगती हैं चीज़ें, जो स्पेसिफिकली फॉर दिस सीज़न है लेकिन समर्स में भी यूज़ हो सकती है। एक चीज़ इसमें समर में यूज़ हो सकती है। सबसे पहले तो मैं आपको दिखाता हूँ अपने पूमा के रनर्स, ये चेक कर। वाओ। और ये जेट ब्लैक और ग्रीन कलर में है, एंड ओरिजिनल पूमा है, ठीक है। ये आगे करके दिखा लो। जिनकी सीरीज चल रही है सॉफ्ट फॉर्म की, जो पूमा यूजर्स हैं वो सब अंडरस्टैंड करते हैं, ठीक है। तो ये आगे वो, और टैग मैंने इसके यहाँ से उतार दिया था क्योंकि इसके ऊपर कस्टम पड़ता है जैसे कि आप लोग जानते हैं, क्योंकि पेयर्स 3-4 आ रहे थे तो जिस वजह से उनको फिर डाउट होता है कस्टम को कि कोई फिशी थिंग है, बट मुझे उतारने पड़े। और ये मुझे बहुत पसंद है, ये वूल के शूज़ हैं, कैजुअल भी पहन सकते हैं आप, ये कैजुअल ही है वैसे बेसिकली फॉर विद द जीन्स एंड ऑल स्टफ। तो ये बहुत मज़े के, बहुत गर्म है, सॉफ्ट हैं, बहुत लाइट वेट हैं। और इसका भी मैंने टैग उतार दिया था ट्राई करने के दौरान, ये पड़े थे $120 के, और इस पर कोई ऑफ नहीं था क्योंकि ये सीज़न का था, और इसके ऊपर भी कोई ऑफ नहीं था क्योंकि ये भी इनका न्यू अराइवल है। तो अभी तैयार कर देना चीज़ें, मेरे तो वैसे मैंने कर दी हुई है लेकिन ये बैग में रख देना, ठीक है। सो गाइज आई थिंक टुडेज वीडियो वॉज इनफ, शॉपिंग भी दिखा दी और जो इश्यूज थे जिस वजह से मैं वीडियोस नहीं पुट ऑन कर सका, मोबाइल चोरी वगैरह वो भी सीन हो गया। तो अगर आपको तफसील चाहिए मोबाइल चोरी कैसे हो तो मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में, आई विल टेल यू द न्यू वीडियो। अदरवाइज आज का व्लॉग करता हूँ यहाँ पे एंड, और मिलता हूँ एक नए व्लॉग के अंदर। कीप सब्सक्राइबिंग, लाइकिंग एंड शेयरिंग द वीडियोस। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।